मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा जिसको सिलेक्शन लेना है, चाहे आप वैकेंसी की तैयारी करें ना करें उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहना है कि सर एडीओ की वैकेंसी कब आएगी, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी कब आएगी, तो तैयारी करो ना भाई। वैकेंसी एक साल बाद आए, एक महीने बाद आए, आपको तैयारी करके रखना है। चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, आपको प्रिपरेशन करना है। आप पढ़े हुए रहते हैं, 20 दिन 22 दिन के बाद भूल जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ रिवाइज करिएगा। एग्ज़ाम एक महीने बाद हो, एक साल बाद हो, कभी भी हो, आपको तैयारी करना है। साथ ही उन विद्यार्थियों के लिए जो एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे इसका एग्ज़ाम हो या एक साल बाद हो, आपको तैयारी करना है। कई बच्चे कह रहे थे कि सर एडीओ की वैकेंसी नहीं आ रही है, हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी नहीं आ रही, तैयारी कैसे करें, तैयारी करने का मन नहीं करता। तो मत करो ना भाई, आपको कौन कह रहा है। अगर आप टाइम पास करना चाहते तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना नहीं चाहते, तैयारी करना नहीं चाहते, वो आप काम करना स्टार्ट कर दे, बेरोजगार हो जाए, आप काम धंधा चालू कर दें, आप गोदी माटी जाओ, कुछ भी जाओ, मुझसे कोई मतलब नहीं है। जिनको अगर तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना चाहते, कई बच्चे 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी कब तक आएगा, और वही वैकेंसी बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगर आप लोग तैयारी करते रहें, आप प्रिपरेशन अपना चालू कर दीजिएगा भाई। आज से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आज से 6 महीने पढ़ लीजिएगा, 1 साल पढ़ लीजिएगा, आपको तैयारी अच्छे से हो जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी बार बार पूछ रहे हैं, कमेंट करके, मैसेज करके, कॉल करके पूछ रहे हैं बार बार कि सर एडीओ की वैकेंसी आखिर कब तक आएगा, तो वो देखिए कि अगर ये वैकेंसी आ रही है, कभी भी आए, आपको तैयारी करना है। अगर आप तैयार हैं तो वैकेंसी साल भर में हो, ये 6 महीने बाद हो, या 1 साल बाद हो, या कल हो, आपको तैयारी करके रखना है भाई। एग्ज़ाम कभी भी हो, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप तैयारी मत करो। और जो विद्यार्थी कहते हैं कि सर रेडियो की वैकेंसी कब आएगी, हम तैयारी नहीं, अगर वैकेंसी आ भी जाती है, आपको 1 से 1.5 माह समय दे दिया जाता है, फिर भी आप कहेंगे सर बहुत जल्द वैकेंसी आ गया, अब तैयारी नहीं हो पा रहे, अब क्या करें, कैसे पढ़ें, फिर बोलोगे वो वैकेंसी आपका हाथ से चला जाएगा। अगर आप लोग लक्ष्य बनाकर रखते हैं, अगर आपको तैयारी करना है, मैं इस सिलेक्शन लूँगा, चाहे एडीओ का एक पोस्ट हो, एक पोस्ट आपको लेनी है, मतलब लेनी है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। हमारे चैनल पर 1 मार्च से प्रारंभ किया गया है, लेकिन न्यू बैच 12 मार्च से स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो लगातार बने रहिएगा 1 महीने तक। मैं टोटल 50-50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज से हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास स्टार्ट हुआ है, और टोटल एडीओ में 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास, आजीविका, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारत का सामान्य ज्ञान, साथ ही टोटल 150 नंबर का पूछा जाएगा। और हॉस्टल वार्डन की बात करें तो उसमें भी 150 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें कंप्यूटर का 50 नंबर रहने वाला है। इसीलिए कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कभी भी हो, आप प्रिपरेशन चालू रखना स्टार्ट कर दीजिएगा, आप तैयारी करते रहिएगा। और जिनको पढ़ाई नहीं करना है, वीडियो मत देखो, ठीक है, मैं कह रहा हूँ वीडियो मत देखो, मेरा चैनल मत देखो। और जिसको तैयारी करना है, लगातार बने रहिएगा वीडियो पर, डेली क्लास करा देगा 8:30 से 9:30। और मैं उस अभ्यर्थी को कहूँगा कि जो लोग वैकेंसी आएगी इंतज़ार करते बैठे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो वीडियो मत देखो, तैयारी मत करो, अब अपना काम स्टार्ट कर दो। चाहे आप कुछ भी काम करो, चाहे आप शोरूम में काम करो, प्राइवेट काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप एक पोस्ट अपना सिलेक्शन लेकर रहो, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे एडीओ हो। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सफलता ही राह की कुंजी है, इसीलिए कहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी करें। एग्ज़ाम होगा, 1 महीने बाद होगा, 1 साल बाद होगा, आप वैकेंसी होगा, यानी कि होगा, बहुत जल्द आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है, आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी ढील दे रहे हैं कि पढ़ाई अभी नहीं कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आज से आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा, तैयारी शुरू कर दीजिएगा। आप रणनीति बनाइएगा, 1 महीने की 2 महीने की जो भी हो, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस तरह का। और मेरा वीडियो लगातार देखते रहिएगा, मैं डेली रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर रहा हूँ,
ठीक है। आज से जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा सभी वीडियो अच्छे से रट डालिएगा, देख डालिएगा, ठीक है, कैसे सिलेक्शन लेना नहीं होगा, ठीक है। और जो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ाई करना नहीं चाहते, तो वीडियो मत देखना, वीडियो को डिसलाइक कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। और जो तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके रख लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम नहीं होगा करके सोचते हैं, वैकेंसी आएगी तो हम तैयारी करेंगे ऐसे सोचते हैं, वो विद्यार्थी वीडियो देखना बंद कर दें, पढ़ाई करना बंद कर दीजिएगा, अपना अपना काम चालू कर दीजिएगा, जो भी काम करना है आपको, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना बंद कर दीजिएगा, ठीक है। जिनको तैयारी नहीं करना है भाई, और जिनको तैयारी करना है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, मैं वही सिंपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर छोटी आपको ये छोटी सी गाइडलाइन आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और हमारे चैनल को वही 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है रेडियो का, अगर न्यू बेस से प्रारंभ कर लिया जा रहा है, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो बने रहिएगा वीडियो पर, डेली क्लास करते रहिएगा, ठीक है। और मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूँ कि वीडियो पर बहुत ही स्लो आ रहा है, यानी कि व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, यानी कि बच्चे अभी वो नहीं कर पा रहे हैं जो उसको चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज से एकदम बिल्कुल परफेक्ट क्लास रहेगी, डेली कोई एब्सेंट नहीं होगा, बिल्कुल डेली क्लास रहेगी, रात 8:30 से 9:30, और हिंदी के क्लास दोपहर 12 बजे से, ठीक है। अगर गणित की तैयारी करना चाहते हैं तो गणित की क्लास बहुत जल्द प्रारंभ होने वाली है, ठीक है। जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं बिल्कुल बने रहिएगा, पढ़ाई आज से स्टार्ट कर दीजिएगा। जो तैयारी करना चाहते हैं, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे SI भर्ती हो, चाहे ADO हो, हॉस्टल वार्डन हो, जो भी वैकेंसी हो, आपको एक लक्ष्य रखना है कि इसमें सिलेक्शन लेना है, मतलब लेना है, ठीक है। और जिनको ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं, अभी वैकेंसी आएगी तो हम स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तो वो आप सिलेक्शन वाले काम नहीं कीजिएगा, आप अपने घर वाले को, परिवार वाले को मूर्ख बना रहे हो, ठीक है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने परिवार को मूर्ख मत बनाओ, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा। आप सालों साल मेहनत कर रहे हैं तो रिवाइज कीजिएगा, बिल्कुल रिवाइज करते चलिएगा। जो भी अभी जो योजनाएं हैं, बजट है, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि जो बजट 2023 में हुआ है, बहुत सारे जो योजनाएं हैं चेंज हो चुका है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है, जो उसकी 25,000 रुपया था, उसको बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया गया है। उसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिसका 6,500 रुपया था, उसको 10,000 कर दिया गया है। उसी प्रकार बहुत सारी योजनाएँ हैं उसको चेंज हुआ है, उसको याद रखिए और उसको मिलाते हुए चलिएगा, ठीक है। और जिनको वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर मेरा सुझाव आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिनको सुझाव अच्छा ना लगा हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही, और जिनको सिलेक्शन लेना है, तैयारी करना है, तो तैयारी करते रहिएगा बच्चों, और जिनको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, वो अपना काम धंधा ढूंढ लीजिए, चाहे प्राइवेट नौकरी करे, चाहे आप शोरूम में काम करें, चाहे बेरोजगार रहें, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। और जिनको तैयारी करना है तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख के जाइएगा। आज से चैनल प्रारंभ हुआ है 12 मार्च से न्यू बैच के साथ, ठीक है। इतना ही कहना चाहूँगा, और जिनको सिलेक्शन लाना है उसको सिलेक्शन होना है, उसको कोई गारंटी नहीं है कि देखिए वैकेंसी अभी आ रही कि नहीं, ऐसा सोच ना बनाए, ठीक है। तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, प्रिपरेशन करते रहिएगा। देखिए प्रिपरेशन करने में बहुत समय लगता है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इसमें, ठीक है। ADO में, हॉस्टल वार्डन में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे अगर आपका एग्ज़ाम आ जाए पास में, ADO का जैसे एग्ज़ाम आ जाता है, 1 से 1.5 महीना समय दिया जाता है, तो उसमें आप लोग तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से, इसीलिए आप लोग पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा, है ना। इसमें आपका सरल से सरल आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, रणनीति बनाइएगा, इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है करके, तो आपका सिलेक्शन होना ही होना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगर कोई गलत सुझाव दे दिया हूँ तो उसके लिए आई एम सॉरी, ओके, थैंक यू।